Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 4. Good morning, this is your maths lesson and today we will solve question number 8 of exercise 2A on page number 23. Question number 8 is, use the rules of divisibility to check whether each given number is divisible by 2, 3, 5 or 10. स्टूडेंट्स, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो कि हमने इस एक्सरसाइज में सीखे हैं उनको यूज़ करते हुए हमने चेक करना है कि ये जो टेबल में दिए गए नंबर्स हैं क्या ये 2, 3, 5 या 10 पे डिविजिबल हैं या नहीं. राइट येस और नो. अगर हैं डिविजिबल तो येस लिखेंगे और अगर नहीं है तो नो लिखेंगे. स्टूडेंट्स, हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. उससे पहले हम एक दफ़ा रिवाइज़ कर देते हैं कि रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर दीज 4 नंबर्स क्या हैं. ठीक है, 2 के लिए रूल ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है. स्टूडेंट, सिंपल इज दैट कि अगर वो नंबर इवन है, ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. इवन नंबर की पहचान क्या है, यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8, इन 5 डिजिट्स में से कोई डिजिट्स यूनिट प्लेस पे आया वो 2 पे डिविजिबल होंगे. 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो नंबर दिया गया है आप उसमें जितने डिजिट्स हैं उन डिजिट्स का सम कर दें, यानी 5 + 3 + 2 + 5 + 0. इन का डिजिट्स का सम करने से अगर नंबर जो है जो मिला हमें वो 3 का कोई मल्टीपल है, इट्स मीन के वो नंबर 3 पे डिविजिबल है. मल्टीपल क्या होते हैं, जो उसके टेबल में आ रहे होते हैं. ठीक है, जैसे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 6 9 12 15 18 21 24, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो नंबर गिवन है उसका यूनिट प्लेस देखें, 0 हो या 5 हो वो 5 पे डिविजिबल पूरा नंबर होगा. अगर यूनिट प्लेस पे 5 या 0 नहीं है इट्स मीन वो नहीं है डिविजिबल. 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, यूनिट प्लेस देखेंगे, अगर 0 हुआ तो वो 10 पे डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन. फर्स्ट नंबर इज़ 53,250. तो हम यूनिट प्लेस देखेंगे, 0 है, इवन नंबर है, इट्स मीन ये 2 पे डिविजिबल है, यस लिख देंगे. 3 के लिए हम इसका सम ऑफ डिजिट कर लेंगे, 5 + 3 = 8, 8 + 2 = 10, 10 + 5 = 15, 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, इट्स मीन ये है, येस लिखेंगे. 5 के लिए यूनिट प्लेस देखेंगे, 0 या 5 होनी चाहिए तो 0 है, इट्स मीन ये 5 पे भी डिविजिबल है. और 10 के लिए यूनिट प्लेस 0 होनी चाहिए है, इट्स मीन ये 10 पे भी डिविजिबल है ये नंबर. नेक्स्ट है 673,655. अब देखें स्टूडेंट्स, हमने 2 पे देखना है तो ये इवन होना चाहिए, इवन नहीं है इट्स मीन ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, नो लिखेंगे. 3 के लिए जब हम इसका करेंगे सम करेंगे डिजिट्स का तो वो 32 आएगा, 32 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, सो ये नहीं है डिविजिबल 3 पे. ठीक है, 5 पे हम देखेंगे यूनिट प्लेस 0 या 5 हो है, इट्स मीन ये 5 पे है डिविजिबल. और 10 के लिए 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस, नहीं है, इट्स मीन ये 10 पे डिविजिबल नहीं है. अब देखें नेक्स्ट नंबर है 2971, यूनिट प्लेस देखा हमने ये इवन नंबर नहीं है, इट्स मीन ये डिविजिबल नहीं है 2 पे. 3 के लिए इसके डिजिट्स का सम करेंगे, 2 + 9 करेंगे 11, 11 + 7 18, 18 + 1 19, 19 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. अब यूनिट प्लेस देखें, 0 या 5 होनी चाहिए ना, 5 के लिए तो नहीं है, इट्स मीन ये 5 पे डिविजिबल नहीं है. यूनिट प्लेस 0 होनी चाहिए, नहीं है, 10 पे डिविजिबल नहीं है. अब इसको देखें जी, 4720 इट इज़ एन इवन नंबर, ये 2 पे डिविजिबल है. सम कर लें डिजिट्स का, 4 + 7 = 11 हो जाएंगे, 11 + 2 = 13, ये नहीं है डिविजिबल 3 पे क्योंकि 13 इज़ नॉट द मल्टीपल ऑफ 3 जी. 5 के लिए हम देखेंगे यूनिट प्लेस 0 है, इट्स मीन ये है इस पे डिविजिबल. और 10 के लिए भी ये डिविजिबल है बिकॉज ऑफ 0, 8 यूनिट प्लेस. होप दैट आपको ये समझ आया होगा स्टूडेंट्स. अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आता, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क हियर.